गुजर गया चक्रवात रेमल, रेमल का तांडव, नई मुसीबतें, एक की गई जान, बह गए घर, कोलकाता में सड़कें बनी समंदर, तेज हवाओं के चलते कांच की तरह बिखरे पेड़, भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी है, पश्चिम बंगाल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चक्रवात भले ही गुजर गया हो लेकिन नई मुसीबतें पीछे छोड़ गया है। कोलकाता समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ है। चक्रवाती तूफान रेमल के कारण कोलकाता में 15 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। राजधानी कोलकाता की सड़कें जलमग्न हैं, कुछ इलाकों में बारिश जारी भी है। इसके साथ ही दीवार गिरने से एक की जान जाने की भी खबर सामने आई है। इन सब के बाद भी चक्रवात का असर अभी भी है, क्योंकि बंगाल के कई जिलों में अगले 24 घंटे तक तेज बारिश का अलर्ट भी है। रविवार देर रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच तूफान रेमल ने 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल किया। रेमल के कारण कई घर तहस नहस हो गए, तो वहीं बारा नगर में एक फैक्ट्री की चिमनी सड़क पर गिर गई, जिसके चलते कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। इन सब के अलावा एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई है। रेमल के गुजरने के बाद कुछ जगह पर हालात कुछ सामान्य भी हो गए हैं। पूर्व मेदिनीपुर में सैलानी समुद्र किनारे लुत्फ उठाते भी नजर आए। फिलहाल तो अभी सब कुछ ठीक लग रहा है, वैसा सिचुएशन आया नहीं था। हम लोग यहाँ पे कल से हैं तो हल्का फुल्का बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी सब कुछ कंट्रोल में है। वैसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ऐसा संभावना हो सकता है कि यहाँ पे कुछ हो, ठीक है, हुआ करते हैं कि वैसा ना हो, है ना। फिर सब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो डेली कमा रहे हैं, डेली है ना, हो तो अच्छा है, समुंदर में कहीं पे चला जाए। ये जो सिक्योरिटी NDRF और SDRF जो टीम दिखा लोकल पुलिस, तो ये क्या बताइए, ये तो टीम तो सारी जगह पे भेज रहा है। नहीं, नहीं, ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग होटल में ही थे, हम लोग की तरफ पे नोटिफिकेशन आ चुका था कि बाहर नहीं निकलने के लिए, ठीक है। ये लोग अपना काम अच्छा कर रहे हैं, इन लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अपना काम जानते हैं। चक्रवात के बाद बने हालातों से निपटने को लेकर प्रशासन और NDRF समेत SDRF टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। रेमल के गुजरने के बाद राज्यपाल CV आनंद बोस ने राजभवन के रैपिड एक्शन फोर्स के साथ चक्रवात रेमल से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जायजा भी लिया है। Thank you.